अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोती दिखाई दी। ईडी की हिरासत में है अर्पिता। मेडिकल के दौरान कार से निकलने में अर्पिता को ही दिक्कत, अस्पताल में भी गिर पड़ी। व्हीलचेयर पर बैठाकर अर्पिता को ले जाया गया, सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने संभाला। आज दोबारा अर्पिता का हुआ मेडिकल, अर्पिता को पैर में लगी है चोट। अर्पिता से लगातार हो रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कहा, मेरा नहीं पार्थ का है पैसा। अर्पिता मुखर्जी की चार कारें गायब, इनमें एक ऑडी और एक होंडा सिटी। 5 करोड़ों की नकदी का खुलासा, लेकिन आयकर रिटर्न में दिखा मामूली रकम। 2021 के रिटर्न में पार्थ ने आय बताई 5,39,000 रुपए। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता पर ईडी का एक्शन जारी, चौथे फ्लैट पर मारा छापा। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ से बताया कि पैसा पार्थ मुखर्जी का है, उसके घर का किया गया इस्तेमाल। अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद, करीब 5 करोड़ के गहने जब्त। टीचर भर्ती घोटाले में विधायक मानिक भट्टाचार्य को फिर पेश होने का आदेश, बुधवार को ही 14 घंटे की पूछताछ। मंत्री पद छीन जाने के बाद पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं पार्थ। टीएमसी ने सभी पदों से हटाया। पार्थ चैटर्जी के मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई है बैठक। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का जखीरा बरामद होने पर पहली बार बोली ममता, कहा खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। आज टीचर भर्ती घोटाले में पीड़ितों से मिलेंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, सोमवार तक के लिए दोनों सदन स्थगित। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर फिर हंगामा, लोकसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने सोनिया से माफी की मांग की। अधीर के बयान पर दोनों सदनों में नारेबाजी। अधीर रंजन बोले, पाखंडियों से नहीं मांगूंगा माफी। मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और बीजेपी नेता कर रहे हैं सोनिया का अपमान। अधीर के बयान पर विवाद के बीच स्मृति ईरानी ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, मंत्रालय के राज्यमंत्री भी थे साथ। हरियाणा के भिवानी में अधीर रंजन का हुआ विरोध। बीजेपी ने फूका पुतला। स्मृति ईरानी के विरोध में कांग्रेस का अनूठा तरीका, कर्नाटक में स्मृति की सद्बुद्धि के लिए किया गया हवन। कांग्रेस संसदीय दल के स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी, सोनिया के साथ सत्ता पक्ष के सांसदों के गलत बर्ताव का लगाया आरोप। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर एमपी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी के आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने दर्ज कराई है शिकायत। तेलंगाना पुलिस ने केस में जांच के दौरान किए कई खुलासे, आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। पीएफआई की साजिश, युवाओं को मार्शल आर्ट्स और पत्थरबाजी की ट्रेनिंग देने की साजिश। एसडीपीआई से लेकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, इमाम काउंसिल, लीगल काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, सभी पीएफआई की है शाखाएं। पीएफआई स्कूल कॉलेज में कर रही भर्ती, मदरसों और मुस्लिम बहुल मोहल्लों पर पीएफआई की है नजर। टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ का खुलासा, सीएम ने किया मदरसे की आड़ में टेरर मॉड्यूल चलाने का आरोप। असम का बरपेटा और मोरीगांव जिला में दो जेहादी मॉड्यूल को हमने पकड़ा और ये जेहादी मॉड्यूल का साथ इन्वॉल्व सारे लोगों को अरेस्ट किया। जमीयतुल हुदा का मदरसा सील, सहारिया गांव में चल रहा था मदरसा, मुफ्ती मुस्तफा अहमद भी था जेहादी। मदरसे पर छापेमारी की गई, बैंकों की पासबुक्स और कई फोन जब्त। इंडिगो का विमान टेक ऑफ के दौरान फिसला, कोलकाता जा रही थी उड़ान। जोरहाट एयरपोर्ट पर हादसा, किसी मुसाफिर को चोट नहीं, जांच के आदेश। हैदराबाद में रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रोजेक्ट पर हादसा, 5 मजदूरों की गई जान। अलीगढ़ में ओवरटेक के चक्कर में रोडवेज की बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी, हादसे में 1 महिला की हुई मौत, 25 मुसाफिर हुए घायल, 5 की हालत बेहद गंभीर। मौके पर कई मुसाफिरों का किया गया रेस्क्यू।
युवक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमलावरों के चेहरे पर था नकाब, 13 लिए गए हिरासत में। एलजीपीआर के राज्य अध्यक्ष का आरोप, बीजेपी मंत्रियों के भड़काऊ बयान की वजह से हुई हत्या। घर लाया गया बेंगलुरु के सुरातकल में मारे गए युवक फाजिल का शव, पैतृक कस्बे में हुआ अंतिम संस्कार। यूथ बीजेपी प्रवीण के परिवार से मिले सीएम बोम्मई, इंसाफ का दिया भरोसा। गुजरात जहरीली शराब केस में राहुल ने उठाया सवाल, कहा शराबबंदी के बाद भी कौन नशे का कर रहा है कारोबार। जहरीली शराब केस पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, गुजरात में बीजेपी नेताओं के घर में चल रही है नकली शराब की फैक्ट्रियां। यूपी में 13 आईएएस के तबादले, वाराणसी के डीएम भी हटाए गए। सीहोर में 50 सदस्यों की गिरफ्तारी पर भड़के दिग्विजय, बोले पुलिस मनमानी कर रही है। पीएम मोदी ने अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत, बोले दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद से देख रही है। पीएम ने युवाओं का बढ़ाया हौसला, कहा देश का विकास इंजन है और भारत दुनिया का विकास इंजन है। दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस उत्सव का समापन, सीएम केजरीवाल ने की शिरकत। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन, 50 घंटे तक चला धरना। तहसीलदार और डिजास्टर मैनेजमेंट की मौके पर बच्ची को निकालने की कोशिश। खरगोन के मुंबई का कपड़ा कारोबारी नर्मदा नदी में कूदा, अब तक सुराग नहीं, चिट्ठी में लिखी मर्जी से जान दे रहा हूं। रेवाड़ी में सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, काफी दूर तक बुजुर्ग को घसीटा। राष्ट्रपति मिट्टी उड़े पर खचे, 2 किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा। हादसे पर वायुसेना ने जारी किया बयान, रात 9:10 पर गिरा ट्रेनर विमान MiG-21। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया शोक, कहा देश ने 2 वायुवीरों को खो दिया। शहीद पायलट अद्वितीय बल के घर पर मातम, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। करगिल में भारी तबाही, कई घर तबाह, खेत खलियान डूबे। पुंछ में फ्लैश फ्लड से तबाही, सैलाब में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से सड़कों पर बहे नदी नाले, जेसीबी से छात्रों का किया गया रेस्क्यू। रामबन में बारिश से दरक रहे हैं पहाड़, सड़क पर बरस रहे हैं पत्थर। सोलन के नालागढ़ में सेल्फी के चक्कर में बीच नदी फंसे 5 युवक, गांव वालों ने रस्सी से बचाई जान। 12 घंटे की बारिश से लबालब कांगड़ा, सड़क पर भर गया पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भरभराकर टूटा पहाड़, भूस्खलन के बाद रास्ता बंद। भारी बारिश से नैनीताल नेशनल हाईवे पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, 15 जगहों को बताया गया है डेंजर जोन। भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी रूट हुआ प्रभावित, चिनाब नदी में उफान से बड़ा खतरा, रास्ता बंद। रुद्रप्रयाग में विकराल रूप में बह रही अलकनंदा नदी, नदी किनारे रहने वाले लोगों के खाली कराए गए घर। भारी बारिश से हल्द्वानी पानी पानी, सड़क पर चलना मुश्किल। जोधपुर में भारी बारिश से तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा।